राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। डिघारी गांव में स्वच्छता के नाम से फैल रही तरह तरह की बीमारियां, नालिया चौक। लखनऊ के मोहनलालगंज ब्लॉक के डिघारी ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर चौक ले रही नालियां दूषित पानी से फैल रही हैं तरह तरह की बीमारियां। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 6 माह से सफाई कर्मी नदारद है। ग्राम पंचायत में ग्रामीण संयम करते हैं और स्वयं करते हैं सफाई, गांव में नालियां बजबजा रही हैं। वहीं प्रधान प्रतिनिधि ज्ञान सिंह ने बताया कि गांव में नियुक्त सफाई कर्मी के अतिरिक्त ड्यूटी चुनाव में लगने के कारण नहीं आ पा रहा सफाई कर्मी। वहीं डीपीआरओ ने बताया कि 10 सदस्य टीम बनाकर के डिघारी गांव में सफाई अभियान जल्द चलाया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके गांव में सफाई कर्मी नियुक्त किया गया है और आज कितने समय से नहीं आया? लगभग 5-6 माह से नहीं आया यहाँ पर। अच्छा, तो जो नालियाँ बजबजा रही है, जो कीड़े पड़ रहे हैं, गंदगी फैल रही है, इनसे क्या हो सकता है? ये बीमारी घर है, फालतू में जो है हर दिन पानी भरेगा तो जो है गंदगी कीड़ा मकोड़ा सभी, मतलब इनसे बीमारियाँ फैल रही है। सफाई कर्मी जैसे ग्राम पंचायत के लिए नियुक्त किया गया है और सफाई कर्मी यहाँ नहीं आता, तो सरकार से क्या चीज़ करना चाहिए? तो आना चाहिए, नहीं आना है तो बता दीजिए, साफ बात रीजन कहता है। मतलब जो है गांव में गंदगी ना फैले, नियुक्त किया गया है तो सफाई कर्मी को रहना चाहिए। मतलब 6 माह से गांव में साफ सफाई नहीं, नालियाँ चौक ले रहे हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज विकास पंचायत के अंतर्गत हम आए यहाँ पर डिघारी गांव में। यहाँ पर हम आपको जो है बताएंगे स्वच्छ भारत मिशन को लेकर, हम डिघारी गांव में जानेंगे कि जो है यहाँ पर देख रहे हैं स्वच्छता की तरफ देखा जा रहा है गांव में, जो है साफ सफाई को लेकर जीरो। हम यहाँ पर जानकारी लेंगे, हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण है, उनसे भी जानकारी लेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जैसे कि नियुक्ति ग्राम पंचायतों में की जाती है सफाई कर्मियों की, यहाँ पर देखा गया है सफाई कर्मी जो है कई महीनों से नदारद रहता है, ऐसा क्या है? ये अधिकारियों की जिम्मेदारी आखिर इसकी क्या है कि ग्राम पंचायतों में साफ सफाई को लेकर? यहाँ पर जाना जा सकता है कि जो है आज ग्राम पंचायतों में ये हाल है कि नाले और नाली किस तरीके से बदबदार है, इस संबंध में जो हम आए यहाँ पर डिहारी गांव में, हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि इनसे भी जानकारी लेंगे कि जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीणों का क्या कहना है। यहाँ पर जो है हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि ये बताएंगे कि स्वच्छता स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई कर्मी जो है कब से नहीं आया, हम इनसे जानते हैं। अच्छा ज्ञान जी, ये बताएं कि यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन पर देखा जा रहा है कि ग्रामीणों का कहना काफी महीनों से जो यहाँ पर सफाई कर्मी नदारद है। हाँ, नदारद क्या, सफाई कर्मी जब था चुनाव चल रहा था लगभग 3 महीने हो गए सफाई कर्मी जो नियुक्त, जो सफाई कर्मी की नियुक्ति हुई है वो जब उसको बताया जाए तो नदारद चुनाव में ड्यूटी लगी, चुनाव में ड्यूटी खत्म होने के बाद फिर बात हुई, पता चला सीएम के यहाँ ज्वाइन करा लिया। अब हमारे गांव में एडीओ पंचायत से कोई बात नहीं, एडीओ पंचायत से फोन मिला था उन्होंने, ग्रामीणों का कहना कि जो है ग्राम पंचायत में आज भी लबालब जो है चौक ले रही नालियाँ तो और कीड़े बदबजा रहे हैं जिससे जो है दूसरी बीमारियां फैल सकती हैं, तो नियुक्ति होने के बाद भी सफाई कर्मी जो है सही है, नालियाँ बन जा रहे हैं, बहुत लापरवाही है। स्वच्छता के प्रति क्या कहना चाहेंगे? चाह रहे हैं कि साफ सफाई हो, लेकिन साफ सफाई कौन कौन सफाई करनी है? आपको क्या लगता है जो जिम्मेदार है ब्लॉक के, जिम्मेदार को सोचना चाहिए कि ड्यूटी जल लगाई जा रही है, ड्यूटी जो मौजूद है नहीं मौजूद है, कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है, कब से काम हुआ है नहीं हुआ है, समस्या तो यही है ना। अब उनकी ड्यूटी कहीं और लगा दी जाती कि नहीं लगा दी जाती, सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना, वो भी झूठ बोल रहे हैं। अब इसकी जानकारी जैसे ड्यूटी लगाई जाती है तो प्रधान को भी एक पत्र जाना चाहिए कि फलानी जगह ड्यूटी लग रही है, तो उसको भी जानकारी हो तो अपने हिसाब से काम कराए या ना कराए जो भी। सरकार ने देखिए नियुक्ति दे रखी ग्राम पंचायतों की सफाई कर्मी की, उसके पश्चात अगर अतिरिक्त काम दिया जा रहा है सफाई कर्मियों को, तो ये ज्ञान मतलब जो है लिखित पत्र होना चाहिए। सरकार अगर उनसे सफाई कर्मियों से अतिरिक्त काम ले रही है तो उसका एक पत्र जो है प्रधान को भी जाना चाहिए, पेरोल पे साइन प्रधान नहीं करता तब निकालते हैं, ऐसे पेमेंट नहीं निकालते पेरोल पे साइन, जिम्मेदारी प्रधान की भी तो है, अगर उससे कहता तो बताता है कि ड्यूटी मेरी लगी है।
जो जिम्मेदार हैं उनको भी चाहिए एक पत्र प्रधान को भी, ताकि उनकी जानकारी में रहे कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है सफाई कर्मी, तब तो सही सूचना मिल पाए। अब अपने आप लगा देते हैं, अपने आप ना सूचना भी तो नहीं रहती है किसी को। अच्छा, मोहनलालगंज विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत देखा गया है यहाँ पर जो है जितने भी गांव हैं, कुछ गांव में शायद सफाई कर्मी नहीं नियुक्त, बाकी हर गांव में सफाई कर्मी हर गांव में बीते तो मैं कार्य भी हो रहा है, चुनाव में ड्यूटी लगी थी, चुनाव के बाद फिर वो कहीं बता रहा है। अच्छा, ऐसे में जो है नालियाँ चौक ले रहे हैं, जल भराव की समस्या क्या प्रधान जी कोई जल भराव है सरकार से क्या अपील कर रहे हैं? देखिए, जैसे हमारे साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह यादव जी थे, उन्होंने बताया कि जो है स्वच्छ भारत मिशन के प्रति उन्होंने कई कड़ियाँ बताई। उनका कहना है कि जो है अधिकारियों को चाहिए कि अगर सफाई कर्मी की नियुक्ति कहीं हो रही है या कहीं भेजा जा रहा है तो एक जानकारी होनी चाहिए, जिसकी जिस वजह से ग्रामीणों को इनको जवाबदेही हो। भारत टीवी से 4 नवम्बर।